उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ बंकर पर बुर्का पहन हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन लश्करे तैयबा से जुड़ा हुआ है। बुधवार को आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि हमला करने वाली महिला है, जिसकी पहचान कर ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ के कैंप पर पेट्रोल बम से हमला करने वाली बुर्का पहनी महिला को पहचान कर गिरफ्तार किया गया। दरअसल महिला बारामूला जिले की है और पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल थी। उसकी पहचान प्रतिबंधित महिला संगठन दुखरातान ए मित्तल की सदस्य हसीना अख्तर के रूप में हुई है। आपको बता दें, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सुपोर कस्बे में मंगलवार शाम बुर्का पहने एक शख्स ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को सुपोर के मुख्य चौक पर बुर्का पहने एक महिला ने सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल बम फेंका। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में बुर्का पहने एक महिला आती हुई दिखाई दी। वो रुकती है और अपने बैग से पेट्रोल बम निकालती है, जिसके बाद सीआरपीएफ बंकर पर फेंक देती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। वहां मौजूद जवानों ने बंकर में लगी आग पर पानी डालकर काबू पाया था। जिस समय ये हमला हुआ, उस दौरान वीडियो में देखने से ये नहीं पता चल रहा था कि हमलावर पुरुष था या फिर महिला। हालांकि बाद में जांच के दौरान ये पुष्टि हो गई कि पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला थी, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।